हेलो ब्रोन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू लेकर आया हूँ। आपने ये बात 100 बार नहीं, 1000 बार, 1 लाख बार देख चुका होगा, आप फिर भी उसको फॉलो नहीं करते। मैं एक और बार कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की मटेरियल वर्सेज किसी भी इंडिविजुअल टीचर की मटेरियल, व्हाट इज द बेटर वे? मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट की मटेरियल मेरा फेवरेबल है। इंस्टीट्यूट की मटेरियल कुछ केसेस में टीचर की बुक फेवरेबल हो सकती है, बट जनरली इंस्टीट्यूट की मटेरियल से बेहतर कुछ नहीं। अगर आपने इंस्टीट्यूट की मटेरियल से एक बार पढ़ लिया तो यू विल नेवर गो बैक। आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते एक बार भी। मैं रीजन बताता हूँ, अगर मैं फेवर कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की मटेरियल को, तो उसका रीजन क्या है? इंस्टीट्यूट आपको हर चैप्टर शुरू होने से पहले, मैं अपने जीएसटी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, ये कहीं और देख सकते हो। न्यू सिलेबस का बुक है, सी एंटर का बुक है, सिमिलरली फाइनल का भी बुक है। अभी फाइनल की बुक आई नहीं है आईडीटी के लिए, बट बाकी जो पुराने है आप देख सकते हो, सेम टू सेम है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने रेलेवेंट डेफिनेशन लिख दिए। जो जो चैप्टर के अंदर डेफिनेशन यूज होंगे वो सारे इन्होंने दे दिए। यानी जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए भी परफेक्ट है ये बुक। इससे बेहतर कोई बुक आपके लिए नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो टीचर क्या, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कहीं और से क्वेश्चन टॉपिक, जब मेरा रेलेवेंट डेफिनेशन की जब जरूरत होगी तब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। अदरवाइज मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ, तो सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना हो सकता है। कई लोग डायरेक्ट पूरा डेफिनेशन पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं एंड ऑल। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ये तो हो गए, चलो डेफिनेशन। इन्होंने क्या करा, प्रोविजन लिखते हैं बेयर एक्ट की। टीचर की बुक में आपको आसान भाषा में या फिर समरी बुक, चार्ट बुक, आप क्या करोगे इसका, समरी बुक और चार्ट बुक का आपके कंटेंट फॉर्म ही नहीं होंगे आपके पास। जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे ना आंसर, कंटेंट फॉर्म ही नहीं होंगे जब तक आपने बार बार पढ़ नहीं रखा हो। चार्ट बुक और समरी बुक से आपका काम नहीं चल सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो समरी बुक एट लेंथ डिस्कस कर रहा होगा फिर तो ठीक है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज, सबसे पहली बात, आप बार बार जब एक चीज को पढ़ रहे हो ना तो आपको मटेरियल धीरे धीरे छपना शुरू हो जाता है। वो सब आप बिजनेस पर्पस बोलना छोड़ करके इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पढ़ना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि आप बार बार जब पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी और आप यही लाइन लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। मैं बता रहा था यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सेक्शन 7 लिखे सप्लाई की डेफिनेशन, उन्होंने बेयर एक्ट की एज इट इज लैंग्वेज उठाकर डाल दी। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल में दिक्कत क्या है कि कई चीजें अलग अलग बार, कई बार लिखी हुई है, रिपीटेटिव नेचर होती है। इस वजह से अगर आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या चीजें रिपीटेटिव लिखी है, तो मैंने काट दिया इसको। इसको आपको दोबारा जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ी इस चक्कर में। इंस्टीट्यूट साथ में पीपीटी देता है आपको, शॉर्ट समरी देता है। आप जो चीज टीचर की अलग अलग 3 मॉड्यूल देखते हो ना, ये यहीं से बनते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्टेड होते हैं। कुछ चीजें थोड़ा बहुत अलग ऑब्वियसली करता है कोई, पर बाकी यहीं से सब चीजें। इनसे बेहतर यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे सीएस के माइंड लगे हुए हैं, तब जाके बुक बनाया, और आप इसको दरकिनार करके आप टीचर की बुक पकड़ते हो। सोचो आप, अगर ये डेफिनेशन खत्म हो जाता है, देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ काटा मार रखा है, ऑब्वियसली ये कई बार आ रहा होगा इसलिए मैंने काटा मारा है। यहाँ से पढ़ने का एक फायदा है कि आपका कोई भी कंटेंट छूटता नहीं है। अब ऐसा हर कोई क्लेम करता है कि मैं कोई कंटेंट नहीं छोड़ता, फॉर श्योर नहीं छोड़ते होंगे, पर इंस्टीट्यूट की मटेरियल अगर आप पढ़ रहे हो ना, इसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसना शुरू होती है। अगर जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एंड मिक्स अप्लाई हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को होगा। 2.78 नंबर पेज है, और अगर आप देखो क्वेश्चन 80 क्वेश्चन उन्होंने बीच बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाले हैं, 80 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए पूरे चैप्टर के बीच में। यानी आपकी पूरी की पूरी एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का एग्जांपल उन्होंने दे रखा है, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 1, 2, 3, 4, जैसे यहाँ पे मोर देन वन सप्लाई टुगेदर एक एग्जांपल दिया क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर देखो तो 79, 78, 77, 76 सारे मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए। ये एग्जाम्पल के बीच है, मतलब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस बीच में आपके 4 एग्जाम्पल उन्होंने करवा दिए। इसके बाद इन्होंने क्या डाला है, वापस से जो भी आपने पढ़ा वापस एक बार देखते हैं, इसको बोलते हैं समरी, रिकैपिचुलेट। अब इन्होंने क्या किया इसके अंदर, वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने ऊपर पढ़ रखे हैं इन्होंने दोबारा बताया। जैसे सप्लाई की हम बात करते हैं तो सप्लाई जनरली 3 चीजें होती है, आपका 3 कंडीशन फुलफिल होना, मैंडेटरी गुड्स या सर्विसेज हो, कंसीडरेशन हो, बिजनेस पर्पस हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो अब इन्होंने क्या करा, तीनों कंडीशन को इस तरीके से लिख दिया है। तो अभी ऑब्वियसली ये रिपीटेटिव है, अगर आपने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की मटेरियल से पढ़ रखी है तो इसको शायद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप कांटा मार सकते हो इस पूरे को। पर जिसको चाहिए समरी, तो समरी यहाँ दे रखा ना इंस्टीट्यूट ने, जितना चीज आपने पढ़ा ना एक एक चीज का एक एक लाइन की समरी है यहाँ पे, कुछ भी छोड़ने रखा इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पे शानदार शानदार पीपीटी, सभी चीजें कवर कर रखी हो। सप्लाई के लिए आपके पास कंसीडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस होना चाहिए, स्टेट ट्रांसफर बैटरी सेंट्रल डिस्पोजल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई जो है उन्होंने दे दिया है। क्या छोड़ा इसके अंदर, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल शेड्यूल 1 का अगर आप एंट्री पढ़ते हो, परफेक्ट तरीके से उन्होंने हर चीज कवर करी है। चाहे आप यहाँ से पढ़ लो, चाहे आप ऊपर टेक्स्ट से पढ़ते, पीपीटी है उसी का। यहाँ से मन होता है तो आप कॉपी मार के यहाँ का डायग्राम ऊपर बना लो, खुद से आप डायग्राम बना लो, सब कुछ आप कर सकते हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, अगर बात करूँ तो। विद कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, कई टीचर बोलते हैं इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखता है, वो आपको रिलेट करके नहीं बताता। यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे दोनों कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, आप दोनों साइड बाय साइड पढ़ोगे, इससे बेहतर रिलेशन कोई करा सकता है क्या? कोई नहीं करा पाएगा। इन्होंने कोऑर्डिनेट कर दिया दोनों सेक्शन को, 7-1B को, 7-1C को, एक नंबर तरीके से। जब चैप्टर आपके खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट समरी भी खत्म हो जाती है, देखो एक शानदार डायग्राम बनाया, पूरे के पूरे सप्लाई चैप्टर को इन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया है।
और आप जा रहे हो इंस्टीट्यूट के मटेरियल छोड़ के कहीं और किसी टीचर की मटेरियल देख रहे हो, आपकी लैंग्वेज बिगड़ जाती है आसान भाषा के चक्कर में, आपका लैंग्वेज के ऊपर पकड़ नहीं बनती। और आप क्यों डरते हो यार, दो बार तीन बार पढ़ना पड़ेगा, तो इंस्टीट्यूट की मटेरियल को आप हाईलाइट करते जाओ, आपकी खुद ब खुद वो शॉर्ट समरी बन जाएगी। जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें मैं तो ऑब्वियसली 50 बार पढ़ चुका हूँ, तो मैं हाईलाइट करके ही रखता हूँ अपने बच्चों के लिए, सो दैट कि उनको सिर्फ वही वही शब्द पढ़ने पड़ेंगे ना बार बार। एग्जाम से पहले आप जितनी बार रिवीजन करो वही शब्द आप पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ शब्द देख करके पूरा समझ आएगा इसके अंदर क्या कंटेंट हमने पढ़ा था। और आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल से पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आता है। अब देखो ये सारी चीजें खत्म होने के बाद उन्होंने 12-15 क्वेश्चन भी दे रखे हैं और उसके आंसर से, यानी 14 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर के अंदर 10, 12, 14, 15 डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का कितना लेंथी चैप्टर है, उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं। आपको दिक्कत सबसे बड़ी आती है लोगों को कि हमारे पास इनफ क्वेश्चंस नहीं है। ये वैसे मैं बताऊं तो 13-14 क्वेश्चंस इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऊपर पूरी देखी हुई है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछता है आईसीआई की मटेरियल से, पास्ट एग्जाम पेपर से, तो मैं पास्ट एग्जाम के लिए अलग से एक क्वेश्चन बैंक डालता हूँ, वो छोटा होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन से भर दूँ, 50 क्वेश्चन डालूँ, जरूरत ही नहीं उसकी 50 क्वेश्चन की। अगर मेरे 10 क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, व्हाई शुड आई क्रिएट 50 क्वेश्चंस, तो मैं बस पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर आरटीपी एमटीपी सारे कवर करके उससे क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट की मटेरियल पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट इफेक्टिव तरीका है आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने जीएसटी के लिए बात करी या कस्टम के लिए बात करी, आप हर चैप्टर में इसे देख सकते हो, हर चैप्टर इसी तरीके से डिजाइन किया हो इंस्टीट्यूट ने। मेरा मानना है अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से कोई क्लासेस ना ली हो तो आप अभी भी डंप मार सकते हो और इंस्टीट्यूट की मटेरियल पे आओ, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ाई करो, चाहे आप किसी टीचर से पढ़ो या सेल्फ स्टडी करो, ये आपकी इच्छा है, बट इंस्टीट्यूट की मटेरियल से पढ़ो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप खुद से पढ़ रहे हो ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा टीचर के बिना अगर आप पढ़ते हो, तो मेरा सिर्फ यही एक डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग करते भी हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो एक मेरा ये मेजर एक ओपिनियन था, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत क्या सभी को देखता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट की मटेरियल से भागते हैं। आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल से इसलिए भागते हो क्योंकि आपको आपके टीचर भागने के लिए मजबूर कर देते हो, पहले ही दिन अपना किताब दिखा देते हैं जो कि हरा लाल पीला होता है। आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल उठा के देखो, यहाँ पे आपको जो अमेंडमेंट होंगे ना लेटेस्ट, वो अलग कलर में मिल जाएंगे, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी बोल्ड मिलेगी, सब चीज आप खोज के देख लो, इंस्टीट्यूट की मटेरियल उठा के पढ़ लो एक बार। अभी जैसे मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा सप्लाई है ये चैप्टर। अब उन्होंने इवन दो कि ये बेयर एक्ट है, उन्होंने इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया। क्या इन्होंने आपके लिए वही काम नहीं किया जो आपके टीचर कहते हैं कि मैंने बोल्ड करके दिया, हाईलाइट करके दिया है, कलर चेंज कर दिया है? आप इंस्टीट्यूट की बुक देखना शुरू करो, ये सब क्या है, ये बोल्ड हाईलाइटेड नहीं है? पीपीटी नहीं बने हुए, डायग्राम नहीं बने, चार्ट नहीं बने, सब कुछ बना हुआ इस मटेरियल के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको मजबूर कर दे, किसी और का बुक आप देखो, कहीं और देखो, सब कुछ कवर्ड है, एवरीथिंग। आई थिंक आपको अभी भी अपने बुक पे, अपने मटेरियल पे वापस आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने जो बुक दिया है उसको पढ़िए। और ये तो वैसे नई कोर्स की है, ये तो 31 अप्रैल तक की अमेंडेड है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, अगर आपको कुछ और लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय जी।